हे गाइस वेलकम टू द चैनल आज हमारे पास है रेडियो किंग का टी एक्स एटीन एस ये काफ़ी नया ट्रांसमीटर है रेडियो मास्टर सिक्सटीन एस और उसके बाद दिस इज़ द ट्रांसमीटर विच यू कैन गेट इन इंडिया ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है आपको कम प्राइस एज इन अगर आप बिगिनर हो और क्यू एक्स सेवन जो कि ये ये रेडियो है जो हम मैं भी पहले यूज़ करता था ये भी मेरा एक डेली ड्राइवर था इसमें मैंने क्रॉस फायर का पूरा फुल साइज क्रॉस फायर लगा के रखा है अब आई हैव टू बाय दिस रेडियो मुझे एक नया रेडियो लेना था क्योंकि क्यू एक्स सेवन में इन्वर्टर uh, मोड करना पड़ता है अगर आपको एफ आर का ये क्रॉस फायर का uh, टेलीमेट्री चाहिए होगा तो नहीं तो ये रेडियो बार बार आपको uh, गलत आर एस एस फीड देते रहता है जैसे कि uh, बार बार आपको एरर आते रहता है कि सिग्नल लॉस सिग्नल गेंड और ये सारा चीज़ सो so, मुझे एक नया रेडियो लेना था और एनी ये हमारे एक फिक्सड विंग को भी असाइंड है तो आई डोंट वॉन्ट टू यूज मिक्स अप वर्क विथ फन सो मैंने एक नया रेडियो लेने का चॉइस किया अब नए रेडियो में आई आ हेड चॉइस वेर इन सिक्सटीन ले सकता था मैं रेडियो मास्टर का या फिर रेडियो किंग ये नया आया हुआ है ये आपको स्लिफ़ और स्लिफ टू जो आर सी डॉट कॉम पर मिलेगा Uh, uh this is a new hobby shop coming up they have amazing products मैंने भी आ, उस पे से काफ़ी प्रोडक्ट्स बाई किए हैं ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट आप उनका वेबसाइट चेक कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐसे काफ़ी हॉबी शॉप्स आए हुए नए जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं इंडिया में बट वन ऑफ द बेस्ट हॉबी शॉप दैट आई कुल फाइल्ड फाइंड विथ वेरियस डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ़ प्रोडक्ट्स इज़ टू जो आर सी सो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जो कि आज वीडियो का टॉपिक है और इसको कैसे यूज़ करना है क्या करना है मैं ये देखता हूँ अगर मैं वीडियो बना सका तो बना दूंगा। आप so, सो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया था सो so, मैं इसको एक बार आ, सब निकाल लेता हूँ बाहर बॉक्स में सो so, बॉक्स में आपको कुछ मैनुअल वगैरह नहीं मिलता है आपको सिर्फ ये डायरेक्ट रेडियो मिल जाता है आ, जो कि एक ऐसे प्लास्टिक के केसिंग में आता है बाय द वे ये रेडियो आई मैंने परचेस किया है थर्टीन प्लस जी एस सो आई गेस थर्टीन थाउजेंड इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी सो आपके पास कोई जी एस टी नंबर या कुछ है तो आप जी एस टी पे परचेस करके थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हो और मे बी मैं बोलूँगा कि मैनेज uh, कर सकते हो वैसे बचाओगे तो नहीं पे करना ही है सो so, ये सिंपल सा प्लास्टिक केस निकाल देता हूँ और ये आपको देखने मिलता है रेडियो बट उसके पहले आपको और दो चीज़ें मिलती है देखने के लिए ये है इसका बैटरी स्ट्रैप जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था सो लेट्स ओपन इट अप मैं ये इसको यूज़ करने वाला हूँ सो so, ये काफ़ी अच्छा सा बैटरी स्ट्रैप है एडजस्टेबल नॉब्स के साथ और उस पर लिखा हुआ है रेडियो किंग सो so, या एक नया कंपनी और ये नॉर्मल सा हुक सो so, या काफ़ी अच्छा बैटरी स्ट्रैप है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे तीन होल्स दिए गए हैं रेडियो पे बट उसके पहले ये है बैटरी वे का मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी इसमें बैटरी डाल दी है इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा और मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला बट मैं इसका ये कनेक्टर यूज़ करना चाहूँगा फ्यूचर में अगर मैं कोई नया बैटरी बनाता हूँ सो मैं ये रख दूँगा ऐसे ही बैकअप के लिए सो so अब जाते हैं डायरेक्टली रेडियो पे रेडियो में आपको मिलता है एक थ्री एम का स्टिकर आई डोंट नो ये किधर यूज़ करूँगा मैं भी नहीं पीछे कहीं लगाना है मुझे बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट एक टाइप सी कनेक्टर वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ लगाना है एंड एक टू पॉइंट फोर का एंटीना जो कि डायरेक्ट सिंपली लग जाता है रिमेंबर गैस रेडियो चालू करने के पहले आपको एंटीना लगाना जरूरी है यू माइट फ्राई दिस रेडियो एज इन कोई भी रेडियो हो ट्रांसमीटर हो आपको आ, एंटीना लगाना बहुत जरूरी है ऑन करने के पहले सो so, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये रेडियो में क्या क्या है सो so, मुझे पहले तो सबसे पहले तो इसका फील बहुत अच्छा लगा एक प्रीमियम रेडियो तो नहीं बोल सकते फूताबा और ये सब यूज़ करने के बाद ये रेडियो को हाथ में लेकर एफ आर स्काय से तो काफ़ी बढ़िया है सो so, आपको इसमें और एफ आर स्काय के क्यू एक्स में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि इसमें हॉल सेंसर गिम्बल्स है और आई आई एम नॉट श्योर इफ दिस आर फुल हॉल सेंसर ऑफ हाफ बट आपको स्पेसिफिकेशन में देख के समझ जाएगा मैं, मैंने तो जस्ट आज अनबॉक्सिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ वॉट ऑल इज इंक्लूडेड दिस हैज लॉट ऑफ फंक्शंस बॉक्स पे ही आप देख सकते हो लिखा हुआ है फोर इन वन प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल सो बेसिकली फोर इन वन मल्टी प्रोटोकॉल एज इन इसमें एक अगर आप डेटा शीट में जाते हो तो इसमें जो चिपसेट है अंदर ट्रांसमिटर चिपसेट वो चार प्रोटोकॉल्स को फ, आ, सपोर्ट करता है मेनली मुझे जितना याद है वो है एफ आ स्काई जो कि अपना एक्स जे टी मॉड्यूल है इसमें जो एक्स सीरीज़ के सारे रिसीवर्स को सपोर्ट कर देगा सो आपका एग्जिस्टिंग रेडियो आप डायरेक्टली इसके साथ स्वैप कर सकते अगर आप एफ का यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी तो सेकेंडली फ्लाई स्काई और फुतावा स्पेक्ट्रम भी होगा शायद आई एम नॉट श्योर डोंट कोट मी ऑन दिस आई एम जस्ट सेइंग इट आप इसमें देख सकते हो मे बी नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑफ हाउ व्हाट ऑल इज एक्जैक्टली देर इन टेक्निकली इट सो ओवरऑल लुक में काफ़ी अच्छा है आपको ये बटन ये ऊपर वन टू सिक्स चैनल तक देखे जाते हैं अब मैंने यूज़ नहीं किया है सो आई हैव नो आइडिया वाई दिस आर फॉर बट दिस आर बटन्स ये बटन्स है दो नॉब्स मिल देखने मिलते हैं आपको एक uh, सिंगल वन वे स्विच है ये यूजुअली मैं आर्मिंग के लिए यूज़ करता हूँ थ्री वे स्विच 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 एंड अ ट्रेनर स्विच सो बेसिकली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स थ्री वे स्विचेस मिलते हैं दो नॉब मिलते हैं एक एक टू वे स्विच और एक ट्रेनर स्विच सो आपको इसमें दो पावर मॉड्यूल देखने मिलते हैं और ये है ट्रिम्स T1 T2 T6 के लिए ट्रिम्स है ये सारे चैनल्स के लिए ट्रिम्स है और uh, हॉल सेन से गिम्बल एज एस सेट यहाँ पे एक बटन है सिस्टम का यहाँ पे एक रिटर्न का बटन है रोलर अच्छा मैंने जो इसको ऑन किया था ये रोलर काफ़ी मुझे लूज़ लग रहा है लूज आज इन आई नॉट श्योर ये पीस के साथ ही है या कैसा है बट इट वर्क्स टोटली फाइन बट ये काफ़ी ऐसा फिल्मी uh, या मे बी मतलब है तो स्टडी वैसे वैसे मैं आई कैन जस्ट रोल बटन बटन जैसा फील आ रहा है बट लूज़ लग रहा है मुझे काफ़ी जैसे कि ये देखो काफ़ी लूज लग रहा है आई एक्सपेक्टेड दिस टू बी अ लिटिल टाइट मे बी ओपन करके कर सकता हूँ फिर यहाँ पे मिलता है आपको मॉडल पेज एंड पेज और यहाँ पे ग्रिप अच्छे से ग्रिप पकड़ने मिलती है सो so, इसको ऐसे यहाँ ग्रिप है काफ़ी अच्छी सी एफ uh, का एक मॉड्यूल बे यहाँ पे आप कोई भी क्रॉस फायर मिनी क्रॉस फायर वी टू क्रॉस फायर सब लगा सकते हो ऊपर के साइड पे आपको देखने मिलता है एक यूएसबी टाइप सी और पिन आई गेस दिस ऑक्स फॉर सिमिलटर नीचे कुछ वैसे खास नहीं है बैटरी बे आपको दिखा देता हूँ बैटरी बे में वही सिमिलर जो मैंने दिखाया था आपको ये कनेक्टर है जो हमारा नॉर्मल एफ स्काई का था मैंने इसमें दो लिथियम आयन सेल्स का पैक डाला हुआ है ये काफ़ी मुझे एफ़ आर स्काई पे काफ़ी अच्छा फ्लाइट टाइम मिल जाता था इस पर काफ़ी एक हफ्ते तक चल जाता था मेरे साथ बट मे बी कंटिन्यूस यूज़ करूँ रोज़ यूज़ करूँगा और मेरा क्रॉस फायर भी इसी से पावर हो रहा था सो लेट्स सी कितना चलता है मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया हुआ है जस्ट बैटरी डाल के इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसमें मैं फायर डालूंगा मेनली क्योंकि इसमें टेलीमेट्री डायरेक्ट गो है अब जाते हैं ये स्क्रीन गार्ड निकाल देता हूँ ओके अच्छा तो मैंने इसमें दो वर्जन्स आते हैं एक लाइट वर्जन है विच इज़ समथिंग अराउंड टेन एंड हाफ थाउजेंड रुपीज़ एंड ये है थर्टीन थाउजेंड एंड हाफ थर्टीन थाउजेंड रुपीज़ का अब इसमें दिस इज अ टच स्क्रीन लाइट वर्जन में टच स्क्रीन नहीं है देन इसमें चार अलग अलग मॉड्यूल सपोर्ट है उसमें भी चार अलग अलग मॉड्यूल सपोर्ट है बट इसमें ज़्यादा चिपसेट रिसीवर्स है ट्रांसमीटर्स है सॉरी अब ये दो बटन दिए गए हैं ऑन करने के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें से कोई भी एक बटन दबा कर भी आप ऑन कर Welcome सकते हो लाउड काफी साउंड साउंड काफ़ी लाउड है ये थ्रोटल वार्निंग दे रहा है मुझे सो so, अब मैंने जीरो करके स्किप कर दिया ये ऐसे आपको देखने मिलता है अभी टच स्क्रीन चल नहीं रहा है बाय द वे क्योंकि मैंने काफ़ी ऑनलाइन पढ़ा है वहाँ पे लिखा था कि इन द न्यूर फ्यूचर इट विल बी देयर इट विल बी आउट सून विद द ओपन टी का अपडेट uh, आते ही आउट हो जाएगा तो so जाते हैं सीधा सिस्टम के पेज पर ओके तो दिस इज़ द मॉडल पेज मॉडल पेज में ये सारा चीज़ सेम ओपन टी ही है तो ओपन टी का ही सारा चीज़ें है चैनल मोनिटर है काफ़ी वन टू एट चैनल मोनिटर्स है और आप ऐसे इसको स्विच नेविगेट कर सकते हो देन मैं रिटर्न दबा कर पीछे जाता हूँ सिस्टम दबा कर ऐसे पूरा का पूरा आप सेट कर सकते हो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी जाननी बाकी है सो मे बी आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर दिस वेर इन हम इन डिटेल देख सकेंगे क्या है अब मुझे ये भी नहीं पता ये क्या है सी द लाइट चेंजेस एज सुन आप चैनल चेंज कर दो मे बी ये सेटअप के लिए है यहाँ पे नीचे वन टू थ्री फोर स्विच हो रहा है आपको शायद नहीं दिखेगा इसमें ब्राइट हो गया है इसके लिए सो so, इस तरीके का ये रेडियो है आपको ये चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर और काफ़ी अच्छा बैटरी भी मॉड्यूल भी है बैटरी बड़ा लग जाएगा आपका लाइपो टू टू एस का टू एस लाइपो और बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है मैं इसको हिला के देख रहा हूँ मुझे कोई आवाज़ वैसे अंदर का कोई फुरजा हिलते हुए नहीं दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा बिल्ड है रेडियो का और बड़ा स्पीकर दिया हुआ है बीच में सो काफ़ी अच्छा एक रेडियो है यूज़ करके देखते हैं अभी इसको क्रॉस फायर के साथ एंड फ्लाई करके देखते हैं ड्रोन को कितना और बढ़िया लगता है मैंने हॉल सेंसर्स पहले यूज़ नहीं किए हैं सो दिस इज़ मी गेटिंग बैक इन टू एन एफ पी वी हॉबी सो लेट्स सी स्टेट स्टेट यून गाइस लेट्स सी मैं अभी इस पर क्रॉस फायर लगा के थोड़ा सेटअप वेटअप करके फिर मे बी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा देखते हैं लेट्स सी गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी सजेशंस थैंक यू